देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है, क्योंकि अख्तर खानदान की बहुएं किसी मलिका से कम नहीं होती, और तुम सड़क की धूल की तरह हो, और सड़क की धूल को अख्तर खानदान की बहू नहीं बनाया जा सकता। कहां तुम अख्तर खानदान की बहू होने के सपने देख रही हो? तुम जानती हो तुम्हारे बेवकूफ होने का सबसे बड़ा सबूत क्या है? कि तुम बाकी सबको बेवकूफ समझती हो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मंगनी तोड़ के भागने की साजिश करोगी और फिर सारा इल्जाम मुझ पे लगा दोगी? यही सोचा था ना तुमने? और अब तुम ये सोच रही हो कि ये सब मुझे कैसे पता? क्या करे, जब सामने वाला दुश्मन इतना शातिर हो तो आपको दो नहीं चार आंखें रखनी पड़ती है। अब तुम ना मुझसे घर में बच सकती हो और ना घर के बाहर, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने क्या खेल खेला है। ध्यान से सुनो गुलनाज बेगम, मंगनी से बचने के लिए मैं इस घर से भाग जाऊंगी, और तुम्हें बस इन घर वालों को यकीन दिलाना होगा कि मेरे गायब होने की वजह दुआ है। वो तो मैं बोल दूंगी गजल, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कहीं हमारी फांसी उल्टी पड़ गई तो? देखो गजल, हमारा मुकाबला उस दुआ से है जो आजकल हमसे चार हद ज्यादा आगे सोच रही है। अगर तुम्हें जीतना है ना तो बस वैसा करती जाओ जैसा मैं कह रही हूँ। गजल मम्मी से बचकर भागना चाहती है। या अल्लाह, अगर इसका इल्जाम दुआ भाभी पर आ गया तो घर वाले फिर से एक बार उनके खिलाफ चले जाएंगे। नहीं, उन्हें बताना होगा। तुम्हारी शैतानी साजिशों के बारे में जैसे ही मुझे पता चला, मेरी नजरें तुम पे बिल्कुल वैसी गड़ी थी जैसे एक चीख की एक चूहिया पर होती है। और मैंने तुमसे कहा था ना, अब मेरे पास चार आंखें हैं। देखो, तुम्हारे सामने से दो और आंखें आ रही हैं। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे भी दुआ का ही हाथ है। जबान संभाल के। शायद आप ये भूल रही हैं कि आपकी होने वाली बहू के साथ साथ आपकी पहली बहू दुआ भी गायब है। अब आप उसी पर इल्जाम लगा रही हैं। अरे इल्जाम नहीं लगा तो फिर और क्या करूं? दुआ निकाह कराने का नाटक भी तो कर सकती है। और देख लो, उसने आखिरी मेरी होने वाली बहू को गायब कर ही दिया ना। बस कीजिए अम्मी, अब बिना वजह दुआ भाभी पे क्यों इल्जाम लगाती रहती हैं? एक तो वो हमारी मदद करने की कोशिश कर रही हैं और आप उन्हीं पे इल्जाम लगा रही हैं। खुदा खैर करे रूहान। अरे अभी पिछले हफ्ते तक दुआ गजल को इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या होगा कि इतना ज्यादा प्यार उमड़ आ रहा है कि घर सजा के बैठी है, मंगनी करा रही है, मेरी देवरानी मेरा देवर, मैं इनकी शादी कराऊंगी। मतलब तुम्हें इसे चालाकी नजर नहीं आ रही है? रोहन बेटा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। क्या बोल रही हो तुम गुलनाज? तुम बोलने से पहले सोचते नहीं हो क्या? लगता है तुम्हारा हफ्जा कमजोर हो गया है। दुआ और गजल के बीच में जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या तुम्हें हकीकत नहीं दिख रही है? दुआ ने कितनी तैयारियां की है रूहान और गजल के मंगनी की। अगर वो इसके खिलाफ होती तो इतनी मेहनत क्यों करती? वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ना बाजी, कि दुआ ये सब दिखावा कर रही है अपने गलत इरादों को छुपाने के लिए। देख लेना आप सबने, अब टल गई ना मंगनी, मतलब वही हुआ जो दुआ करना चाहती थी। गुलनाज, इस वक्त हम परेशान हैं दुआ और गजल की सलामती के लिए, और तुम दुआ की बुराइयां करने में लगी हो। आंखें बंद करने से सच्चाई छुपती नहीं है मियां, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दुआ कैसी है। उसे बड़ी चालाकी से हमारे होने वाली बहू को गायब किया है।
इस बात का डर लग रहा है कि मेरी गजल कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या बीत रही होगी उस पे। मुझे आपकी होने वाली बहू के बारे में तो नहीं पता, लेकिन दुआ के खिलाफ ऐसे अल्फाज आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। है तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब में हमारे दुश्मनों का हाथ है। कहीं उन्होंने हमारी दुआ और गजल को अगवा कर लिया हो। क्या बात कर रही हो हीना, हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? या अल्लाह, मेरे बच्चियों की हिफाजत। हाय अल्लाह, कैसा जमाना आ गया है, बहू को कौन उठा के लेके चला गया। ये घर है या कुंभ का मेला, कोई ना कोई गायब ही हो जाता है। बेटे के सालगिरह पे उसकी बीवी गायब हो गई थी और अब तो दोनों बहू ही लापता है। गजल निकल चुकी है भाभी। मारा तुमने मुझे, पकड़ लिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई और मैं हार गई? गजल को हराना इतना आसान नहीं है दुआ। हार और जीत का फैसला घर चल के कर लेंगे। फिलहाल आप ये बताइए गजल रहमानी कि आप घर जाना कैसे पसंद करेंगी, गाड़ी पे या बाइक पे? वो क्या है ना, मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम चाहे जो भी कर लो, हैदर को मुझसे नहीं बचा पाओगी दुआ। पहले तुम ये सोचो कि खुद को रूहान से कैसे बचाओगी। रूहान से तो मैं खुद को बचा ही लूंगी। तुम अपना सोचो दुआ, तुम खुद को कैसे बचाओगी? मैं ऐसा खेल खेलने वाली हूँ जिसमें तुम्हारा ये दो कौड़ी का चमचा ना, ये भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बड़ा जासूस बनता फिरता है ना तू, तो मुफ्त में मारा जाएगा। और दुआ तुम तो गई। जी जी मैं समझ सकता हूँ जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ बेटा, बच्चियों के बारे में कुछ पता चला? ये पता चला अम्मी कि इसमें इकबाल का हाथ सर अभी नहीं है। क्योंकि वो जेल में है। क्या? लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर ये कारस्तानी इकबाल ने नहीं की तो कौन हो सकता है? पता नहीं मेरी बच्चियां किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मेरे मौला, तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी का वास्ता, मेरे बच्चों को अपनी रहमत इस साये में महफूज रखना। खुदा खैर करे पाजी। पाजी हौसला रखिए, अल्लाह हमारी बात जरूर सुनेगा। आप क्यों इतना परेशान हो रही है, सब ठीक हो जाएगा पाजी। कैसे न हो, देखिए आपकी तबीयत कितनी खराब हो रही है। आप आइए यहाँ बैठ जाइए। आपने दवा ली क्या आज? हा? भूल गई दवा, कहाँ याद रहती है मुझे। अल्लाह बाजी आप क्यों करती हैं ऐसा। नूर सुन बेटा, जा बाजी की दवा लेकर आ, वो दुआ के कमरे में होगी। हाँ जल्दी जा। बाजी ठीक हो जाएगा सब। हाँ आप हौसला रखिए। शुक्रिया गुलनास। तैयार हो जाओ गुलनास बेगम, धमाका होने ही वाला है, बस कुछ ही सेकंड बाकी है। 5, 4, 3, 2, 1 और धमाका। अभी
कायनात बेटा, अम्मी को अकेला मत छोड़ना। नूर, रोहन चल जल्दी। नूर। अम्मी अब यही रुकिए। नहीं नहीं बेटा, मैं देखूंगी। देखो तो नूर को क्या। अम्मी चलिए। क्यों चीखी बच्ची? नूर, नूर क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? नूर क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? वो क्या क्या है वहां? ये किसका खून है और ये क्या है? खून में लथपथ। रोहन, हेलो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला तोहफा, इन्हें कबूल करो। शुक्रिया रोहन। ये तो वही झुमके हैं जो मैंने गजल को दिए थे तोहफे के रूप में। अब तो यकीन हो गया ना सबको? हाँ, देख लिया ना आप सबने, मुझे गलत ठहरा रहे थे, लेकिन मेरी बहू के साथ जाती हुई है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दुआ है। गजल को दुआ ने ही अगवा करवाया। जरा भी शर्म नहीं आती आपको? ऐसा घिनौना इल्जाम दुआ पे लगाते हुए। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ हैदर, ये खून गवाही दे रहा है कि गजल के साथ क्या हुआ है। कुछ भी गलत हो जाए तो आप सिर्फ गलती दुआ की मानते हैं। तो फिर गजल का झुमका दुआ के कमरे में क्या कर रहा है, वो भी ऐसे खून से लथपथ? इसका तो एक ही मतलब है ना, कि दोनों में झगड़ा हुआ होगा, हाथापाई हुई होगी और ये सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकती है, क्योंकि इस घर में गजल का दुश्मन दुआ के अलावा और कौन है? शायद आप ये भूल रही हैं कि जितना ये कमरा दुआ का है उतना मेरा भी है। अगर उस पर इल्जाम लगा रही है तो मुझे क्यों बख्शी है? और शायद आप ये भी भूल रही हैं, आप उस शख्स पे इल्जाम लगा रही हैं जो रूहान और गजल को एक करना चाहती थी। दुआ गजल को पसंद नहीं करती है हैदर, मान लो मेरी बात। दुआ नाटक कर रही नाटक थी। आप कर रही हैं और कोई आपकी बात का यकीन नहीं करने वाला, ये सब झूठ है। रूहान समझाओ अपनी अम्मी को। लग रहा है मेरा तमाशा काम कर रहा है। अम्मी आप चुप क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को भी लगता है कि इसमें दुआ को निगार है? कुछ ही देर में घर वालों के सामने साबित हो जाएगा कि तुमने और तुम्हारे दो कौड़ी के चमचे ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी और किसी को जान से मारने की सजा जानते हो ना तुम। अब ये मामला सिर्फ घर का नहीं रहा, अब ये पुलिस स्टेशन तक जाएगा। तुम दोनों जेल जाओगे। कितनी हैरत की बात है, एक पल नहीं लगा आपको दुआ पे शक करने के लिए। आप लोग ये क्यों भूल गए कि इस वक्त दुआ भी गायब है और ऐसा भी हो सकता है कि वो भी मुसीबत में हो। याल्ला। सही बात है हैदर, दुआ भी मुसीबत में हो सकती है। गुलनास, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बाजी। हैदर, मुझे क्या लगता है ना हैदर, कि किसी ने दुआ को ही अगवा किया होगा, क्योंकि ना दुआ में हीरे जड़े हुए हैं और दुआ को अगवा करके कोई अख्तर खानदान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है। पुलिस को फोन करो। अरे तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है ना, उनसे कहो कि वो दुआ को ही ढूंढ ले और अगर उन्हें फुर्सत मिल जाए दुआ को ढूंढने से तो फिर लगे हाथ गजल को भी ढूंढ ले। आपके तंज करने से जो मुश्किल है वो आसान नहीं हो जाएगी।
लेकिन जो बेतुके इल्जाम आप बार बार दुआ पे लगा रही हैं, वो मुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। और रही बात आपके मशवरे की, अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस को तो मैं खुद ही बुला लूंगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि उनका शामिल होना बेहद जरूरी हो गया है। हम तो हर गजल दोनों पर कोई बड़ी मुसीबत ना आन पड़े। लगाओ पुलिस को फोन हैदर बाबू, ये करके तुम अपनी दुआ के जेल जाने का रास्ता आसान कर रहे हो। जेल जाने के बाद तो तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी ना दुआ। फिर हैदर का क्या होगा? वो तो अकेला पड़ जाएगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं हैदर का सहारा बनूंगी। जब जब उसे तन्हाइयां घेरेंगी तो मैं अपनी मोहब्बत के आंचल का साया उस पर डाल दिया करूंगी, और फिर हम दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे। और रही बात रूहान की, उसे तो मैं दूध में से मक्खी की तरह यूं निकाल कर फेंक दूंगी और फिर तुम्हारे शौहर से निकाह कर लूंगी और उसकी शरीके हयात बन जाऊंगी। चुप, एकदम चुप। मेरे शौहर का अपनी जुबान से नाम भी मत लेना, वरना जुबान खींच के फेंक दूंगी। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा दुआ, तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम्हारा शौहर मेरा होकर रहेगा। हंसो और हंसो, तुम्हें मजाक लग रहा है ना? जब ये सच होगा ना तो तुम ऐसे ही रो रही हो। असल में गजल तुम्हारी बेवकूफी पे हंसी आ रही है, पर सच में तहे दिल से शुक्रिया। आज तक मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा था तुम्हारी इन साजिशों का कि तुम कितनी चालाक और ड्रामेबाज हो, पर आखिरकार तुम्हारी सारी साजिशें कि तुम रूहान को किस तरह बर्बाद करना चाहती हो, हैदर को हासिल करना चाहती हो, और तुम्हारी गुलनाज बेगम की ड्रामेबाजी की तफसील, हर चीज का सबूत आखिर मुझे मिल गया। तुम्हारी सारी काली करतूतें इस छोटे से कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है। तो गजल साहिबा, आप कौन से जेल में जाना पसंद करेंगी? अरे तुम तो बिल्कुल चुप खड़ी हो, थोड़ी सी तारीफ तो करो, आखिर तुम जैसी शातिर लड़की को हराया है। पर हाँ, अफसोस तो है इस बात का कि तुमने खुद ही अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया, पर कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या किया? ये सारे सबूत, हमारा पर्दा फाश होने से तुमने फिर रोक लिया। रवि भाई, अब हम क्या करेंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब उनसे जेल कैसे भेजेंगे?
क्या गजल, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। ये तो सिर्फ एक कैमरा था, ब्लूटूथ के जरिए पूरी वीडियो हमारे फोन में सेव हो चुकी है। अब तुम्हारा पर्दाफाश होके रहेगा और तुम्हारे खेल का दी एंड हो चुका है।